कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच अलग अलग राज्य का अलग अलग न्यू गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। बस, ट्रेन या फिर बाई एयर सफर करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, तो आप लोगों को न्यू गाइडलाइन जानना जरूरी है। तो ऐसे में 5 ऐसे राज्य है जिस राज्य में यदि आप जाते हैं तो आप लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी बीच कई ऐसे राज्य है जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, इसके बावजूद भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग राज्य से न्यू गाइडलाइन जारी किया गया है। यदि आप लोग बस, ट्रेन या फिर वाई एयर किसी भी राज्य से 5 ऐसे राज्य में एंट्री करते हैं तो आप लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। फर्स्ट नंबर में महाराष्ट्र, यदि किसी भी स्टेट से यदि महाराष्ट्र में आप जाते हैं RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर उड़ीसा, यदि आप किसी भी स्टेट से उड़ीसा में एंट्री करते हैं तो आप लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। थर्ड नंबर पे राजस्थान, यदि आप लोग किसी भी स्टेट से राजस्थान में एंट्री करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। फोर्थ नंबर पे उत्तराखंड, यदि आप लोग किसी भी स्टेट से उत्तराखंड में जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। इसके बाद फाइव नंबर कर्नाटक, यदि आप किसी भी राज्य से कर्नाटक में जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट बार है, ज़्यादातर केरल और महाराष्ट्र के लिए। तो ऐसे 5 राज्य है में यदि आप जाना चाहते हैं तो आप लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ले लेना है, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।